दरवाजा खोलो जल्दी जल्दी खोलो। यास्मीन है ये तो। आतिश दरवाजा खोलो। आतिश आ जाओ आ जाओ आ जाओ जा खड़ी हो जाओ। अरे खोल रहा हूँ मैं, खोल रहा हूँ मैं, रुक तो जाए। दमीर आतिश गुरेज गुस्सा करने से पहले जवाब दो ना कि तुम मेरे ही घर में मेरी ही बीवी के साथ क्या कर रहे हो। हा? मैंने अपना एप्रन मंगाया था। एप्रन लाया था। तो मैं आपका पीछा करते हुए आई थी। एक मिनट रुको यार, इतनी सिक्योरिटी के होते हो तो अंदर कैसे आ गए बताओ। कश्ती से। कश्ती से मतलब? हाँ छोटी सी कश्ती थी कोई, मेरे मतलब एक गार्ड्स तो झुरमट की शक्ल में चल रहे हैं। मैंने उन्हें मारने की कोशिश भी की लेकिन यास्मीन ने, मैंने जम कर और तैरते हुए आ जाओ ऐसे कहा और इसने समझा ही नहीं और देखो यहाँ आ गया। आतिश देख लिया, पता लग गया उन्हें। कुछ करो, क्या करें? अंदर, अंदर, अंदर जाओ जल्दी जाओ, जाओ, जल्दी जल्दी जल्दी। अब देखो जरा इस बुक में जो लिखा है। बात सुनो बच्चों, घर में शायद कोई घुसा है, तुम दोनों जरा मोहतात रहना। क्या ये तो इतना बड़ा मेंशन है, कौन आ सकता है यहाँ? क्या आपके कोई खुफिया दुश्मन भी है आसिफ साहब? यकीनन बहुत से। हाँ भाईजान क्या हो क्या? साहिल पे एक नामालूम कश्ती खड़ी है। तैर तो आ गई होगी। हाँ बोलो क्या हुआ? सर मैंने हर जगह चेक कर लिया मगर वहाँ कोई नहीं है। तो सिक्योरिटी कैमरा चेक करें ना। तुम मेरा पीछा कर रही थी। इस कमरे में तो सिर्फ एक ही बेड है। ओए, क्या ये एक साथ सोते हैं? अरे बंद करो इसे। रुकिए एक मिनट। ये कबाड़ा अभी तक यहीं है। बाबा जान, जानम बाबा, अपने अल्फाज वापस ले लीजिए। अभी इनको बिल्कुल गुस्सा मत लाओ, कहीं यहीं ना खड़े रह जाए। अरे भाईजान क्या आप इन सब बातों का वक्त है? मतलब आप कह रहे हैं कि यहाँ पे घर में कोई घुस आया है? सर वो कैमरे काम नहीं कर रहे। अब ना घर में कोई दाखिल होगा और ना बाहर जाएगा, अब सबको होशियार रहना होगा। अच्छा बस ठीक है ठीक है ठीक है, इतराफ करता हूँ मैं, ये मैंने किया है। कैसे? लेकिन आतिश आखिर तुम इस तरह का काम क्यों करोगे? अरे मैं कैमरास की बात हरगिज नहीं कर रहा हूँ। आप मेरी बात सुने तो सही, कश्ती की बात कर रहा हूँ मैं। यार अगर कुछ ना भी किया हो ना तो भी एतराफ करवाते हैं आप लोग, ठीक है? कर लेता हूँ मैं वापस अपने घर में, अपनी खूबसूरत सी बीवी के साथ आया हूँ ना। मैंने सोचा कि रोमांटिक रात गुजारी जाए और कश्ती में बैठ के हम दोनों समंदर की सैर करें, चांद की चमक देखें, लेकिन ऐसा नहीं, सारा सरप्राइज बर्बाद कर दिया। अरे मेरे प्यारे शौहर, क्या तुम मुझे सरप्राइज देना चाहते थे? अरे छोड़ो मेरी जान, हमारी किस्मत में ऐसा कुछ है ही नहीं कि हम कुछ कर सकें, कुछ नहीं कर सकते हम। आखिर ये क्या है भाईजान, आपने खामखा ही इतना वावेला मचा के रख दिया। देखिए हमने इसका सरप्राइज बर्बाद कर दिया
और अभी तक हम यहाँ इसके कमरे में खड़े हैं। चलिए भाईजान, प्लीज बाहर चलिए और आप बाहर जाके चेकिंग कीजिए। अंदर से बाहर से हर कोना चेक करना है आपको, कोई भी जगह बाकी ना रह जाए। चलिए भाईजान। और वो कैमरास, कोई खराबी भी तो हो सकती है। खैर, अब सब लोग अपनी आंखें खुली रखना। जी सर, ठीक है। चलो गुड नाइट। ठीक है, गुड नाइट बाबा। गुड नाइट। तोड़ो पीछे यार, तोड़ के रख दिया तुमने मेरी कमर, तोड़ के रख दिया, समझी? हाय, उनका तो फोन ही ऑफ आ रहा है। अभी तक फोन ऑफ है उसका। जलाल, अम्मी मुझे बहुत डर लग रहा है, क्या मेरे बच्चे अपने बिस्तर से आधी रात में अगवा हो गए? क्या बात कर रही हो परियान, वो बच्चे थोड़ी है कि कोई बिस्तर से उठा के ले जाएगा। देखो गाड़ी भी नहीं है, हो सकता है कहीं गाड़ी पे गए हो। मोटर बाइक भी कोई छोटी चीज नहीं है बाबा, लेकिन वो भी नहीं है। हाय, ये पुलिस यहाँ पर क्या कर रही है, किसने बनाया है? खैरियत तो है जलाल भाई? अहमद, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? यार अहमद, मेरी मोटर बाइक चोरी हो गई है, मदद करो। मैं अपने बच्चों को रो रही हूँ, इससे उस मोटर बाइक की पड़ी है। अम्मी, हर शख्स को अपने मुफाद की परवाह होती है, शोभी को भी अपनी मोटर बाइक का काम है। किसने बुलाया तुम्हें? मैंने। तुमने? मैंने बुलाया है। हम बस यहाँ बैठकर अफसोस करते रहते क्या? अच्छा, अल्लाह अल्लाह। अमीन तुम? भाई, परिहान ने बुलाया, खैर तो है? परिहान, अमीन को भी तुमने बुलाया? हाँ हाँ, बहुत अच्छा किया बहू, बहुत अच्छा। टीवी पर रोज अखबार की बुरी बुरी खबर देखती हूँ मैं। प्लीज अब ऐसा तो ना कहे ना। आप लोग परेशान ना, और हमें बताएं कि आखिर हुआ क्या है आपके साथ? मेरे बच्चे नहीं है, मेरे बच्चे। लेकिन कौन से बच्चे? हाँ, कौन से बच्चे हो सकते हैं, तुम बताओ। मेरे बहन भाई और कौन? मेरी बाइक। मेरे छोटे बच्चे गायब हैं। जिन छोटे बच्चों की आप बात कर रही हैं, कहीं वो आयशा और दमीर तो नहीं है? हाँ, तो मेरे और कौन से बच्चे हैं? तो क्या तुमने उन्हें कॉल की थी? यार मामू, अम्मी नहीं, मैं उन्हें बार बार कॉल कर रही थी, लेकिन उनका फोन मुसलसल बंद आ रहा है। कमाल करते हैं जलाल भाई, हम तो समझते कोई संगीन मामला होगा। या अल्लाह, इससे ज्यादा कोई संगीन ही हो सकती है? मैं माँ हूँ, मेरे दिल से पूछो। लेकिन उन दोनों का शुमार बच्चों में नहीं आता। अरे मैं तो कहती हूँ चलो मस्जिद में चले, ऐलान करवाते हैं, शायद कोई खबर मिल जाए, यही सही रहेगा, है ना? मोटर बाइक का भी ऐलान करवाते हैं। देखो शुएब। शुएबी। अमीन, ये उसी आदमी का काम तो नहीं? क्या कह रहे हो, क्या उसने बच्चों का अगवा कर लिया? क्या मुमकिन है? ये मुमकिन तो नहीं है, पर आसिफ अबजी कुछ भी कर सकता है। एक मिनट, ये दोनों दीवार फैला सकते हैं वैसे? पागल मत बनो तुम, दीवार बहुत ऊंची है, कैसे छलांग मारेंगे ये? सही कह रही है। क्या हम कश्ती से निकल सकते हैं? बात तो सही है। गुड आइडिया, चलो फिर। आजा। सर आतिश, आपको किसी चीज की जरूरत है? हाँ जरूरत है, है जरूरत है। ये जो ऐसी सूरत हाल है, जो उसमें बताओ हमारी सिक्योरिटी प्रिकॉशंस क्या है, जानना चाहता हूँ। सर हमारे सारे आदमी घर के बाहर रात भर पहरा देते हैं। ठीक है, समझ गया। तो ये शिफ्ट कब चेंज होती है? मेरा मतलब आप लोग टी ब्रेक तो लेते होंगे ना, या फिर चौकीदारी आप करते रहते हैं रात भर ऐसे ही? जब तक रोशनी नहीं हो जाती हमारी शिफ्ट चेंज नहीं होती सर। ठीक है, समझ गए। ठीक है, ऐसे भाई, मतलब मैं भी चेक करने आया था बस, यहाँ पर जाइए, ड्यूटी पर जाइए आप। ओके सर, अगर किसी चीज की जरूरत हो तो मैं बाहर ही खड़ा हूँ। चलो शुक्रिया। ठीक है, आप जाइए ड्यूटी पर जाइए। जी ठीक है सर। ओके, ऑपरेशन कैंसिल, नहीं हो सकता, अब जाओ वापस। दो लोग लापता हैं, जिनमें से एक आदमी है, उसके बाल घुंघराले हैं और कद लंबा है, दुबला पतला सा यार, मैं दमीर की बात कर रहा हूँ। मेरे भाई को कितना हल्का ले रहा है ये। और दूसरी है आयशा,
सबको इतला कर दो कि इन्हें ढूंढे जल्द से जल्द, और हॉस्पिटल में भी जरूर चेक करें। सुनो, हॉस्पिटल में मेरी बाइक की भी इतला कर दो, शायद मिल जाए। शोएब भाई बाइक को भी देख लेंगे पहले, ये मसला तो हल हो जाए। नहीं, मेरा मतलब अभी मैंने उसे चलाना भी नहीं सीखा था। पता नहीं मेरे बच्चों को किससे अगवा कर लिया। दादी कैसी बातें कर रही, उन्हें कौन अगवा करेगा? तुम ऐसा कैसे कह सकती हो सोहेला? टीवी पर रोजाना इस तरह के वाकयात देखती नहीं हो क्या? खुदा हमारी हिफाजत करे। अमीन चलो उसके घर चल कर देखते हैं हम। तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो, चलो चलो। हेलो, कहाँ हो तुम आयशा? आपा आपने कॉल की थी, क्या हुआ? कॉल की थी? हाँ, कितनी कॉल की है तुम्हें? पागल हो गए हैं हम, कसम से तुम एक बार घर आ जाओ फिर देखो मैं तुम्हारा क्या हशर करती हूँ। हो कहा तुम? हम हैं वो, हम यही बरस वाले वो मेरे साथ है। आतिश की आवाज? हाँ जी। क्या तुम उसके घर पर हो? जी आपा यही हूँ, लेकिन प्लीज आप बाबा को मत बताइएगा, ठीक है? इनसे पूछो कि ये वहाँ कर क्या रहे हैं। पूछो मेरी मोटर बाइक कहाँ है, क्या उनके पास है क्या? क्या तुम एक बार डिसेंट आदमी की तरह बिहेव नहीं कर सकते? हाँ, तुम अपना मुंह बंद क्यों नहीं रख सकते? यार उन्हें मजीद परेशानी से बचाने के लिए कहा है, क्या गलत है इसमें? मैंने मुसीबत से दूर रखने की कोशिश कर रहा हूँ और ये लोग उसी के अंदर धसते चले जा रहे हैं। पूछो कि ये वहाँ कर क्या रहे हैं। अच्छा, गुस्सा ना करो। आयशा मेरी जान, पापा को तुम खुद ही जवाब दे दो, मैं स्पीकर खोल रही हूँ। बाबा जान वो दरअसल हम यहाँ आए थे क्योंकि यास्मीन और आतिश का कुछ सामान हमारे पास रह गया था। तुम दोनों अभी वापस आओ इसी वक्त। अच्छा जलाल बस करो। मुझे तो पूरा यकीन है इस बार जलाल अंकल तुम लोगों को उल्टा लटका देंगे। यास्मीन तुम तो बोलो मत, यहाँ पर सिर्फ हम तुम्हारे एप्रन की वजह से आए। क्या, कौन सा एप्रन? असल में बात यह है कि वो यास्मीन एप्रन भूल गई थी। हम उसे ही देने आए थे। हाँ, राइवल बन गई ना मेरी। इतनी बड़ी हवेली का इतना बड़ा किचन है, अब उसके पास ये तो होना ही था। अब बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा आपा बहुत हो गया, बस करें यार। मैंने जो कहा वो सुना नहीं? सोहेला उसे कहो कि इसी वक्त वहाँ से वापस आए। जलाल गुस्सा थोक दो, पुरसुकून हो जाओ। रुको, अब मेरी बात सुनो। वहाँ की किचन की कुछ फोटोज लेना भूलना मत, याद रखना, समझ गई ना? हाँ। मोटरबाइक का पूछो कि उनके पास है क्या? अच्छा ठीक है आपा, आप फिक्र ना करें, हम ले लेंगे और जल्दी आ जाएंगे, ठीक है? बाय बाय। फोन ही रख दिया उन्होंने। शाबाश मेरी मेहनत, तुमने मेरा सवाल पूछा ही नहीं। उसने पूछने ही नहीं दिया, फोन काट दिया उससे पहले, अब मेरा कसूर थोड़ी है। थोड़ा पुरसुकून हो जाओ, सब ठीक है, समझे? जलाल इतना गुस्सा किस बात का है, थोड़ा तो सुकून करो। कैसा सुकून, कैसा गुस्सा? वो मेरी बात सुनते क्यों नहीं? मैंने कितनी बार कहा कि उस घर में मत जाना, अब देख लो वो वहीं से मुझे कॉल कर रहे हैं। फिक्र करने की ऐसी कोई बात नहीं है। चलो सनान चले, हम लोगों ने खामखा वक्त जाया किया इन बड़े बच्चों के लिए। चलो बेटा अंदर चलो। आप मेरी मोटरबाइक को जरूर ढूंढ के लाइएगा। जलाल तुम पुरसुकून हो जाओ, वहाँ से फोन दोनों का सामान ले गए, बाकी सब ठीक है, तुम परेशान मत हो। अच्छा जलाल चलो वहाँ जाकर बैठो, आराम करो। सुहेला बाबा के लिए इलायची वाली चाय बनाओ ताकि रिलैक्स हो जाए। इससे मिलेगा सुकून, मेरा दिमाग फट रहा है, इस घर में तो मरने के बाद ही सुकून मिलेगा। बस बहुत हो गया, मेरी हाथ खत्म हो गई। आओ मेरे साथ। अरे जलाल मेरे बस साथ करो, आ शुक्र करो बच्चे, परेशान होने की जरूरत नहीं है। आओ शाबाश, आ जाओ यहाँ बैठ। चलो आ जाओ। खूबसूरती का हर एक इंसान का अपना अपना नजरिया होता है। तुम किसी फरिश्ते से कम नहीं। मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि मैं उसे किससे बचा रहा हूँ, बहुत मुश्किल हो रहा है। सबसे पहले यह पता लगाना होगा कि आखिर वो मुझसे क्या छुपा रही है। बाबा को भी पता चल गया है, गए काम से। लेकिन जलाल अंकल तो। यास्मीन बात सुनो, मैंने बात की है ना उनसे, मैं जानू मेरा काम जाने, बस तुम दूर रहो इस सबसे। अच्छा ठीक है। ये क्यों दूर रहेगी, सब कुछ इसी की वजह से तो हुआ है। ओह अब मैंने क्या किया? देखो तुम्हें एप्रन चाहिए था, इसने मेरा पीछा किया, ये भी यहाँ आ गई। लेकिन वो एप्रन तो हाँ चाहती थी तो तुम ना लाते। यार भाड़ में गया तुम लोगों का एप्रन। मेरी बात सुनो, अगर हम वक्त पर घर ना पहुंचे ना तो बाबा उसी एप्रन को हमारा कफन बना देंगे। अरे मेरी बात सुनो, क्या कर सकते हैं हम? हाँ रोड से जाने की कोशिश की लेकिन नहीं जा सके वहाँ से, पानी से जाने का सोचा तो उसमें फेल हो गए। देखो सुबह तक वेट करना पड़ेगा। ओके क्या कर सकते हैं? हाँ अब गायब होकर तो इस घर में से निकलने से रहे हम लोग। आतिश क्या हो गया है तुम्हें?
ठीक हो ना? ठीक हूँ मैं आसमिन, बिल्कुल ठीक, ठीक हूँ एकदम। यूं समझ लो कि जाने का इंतजाम कर लिया मैंने। हाँ देखा है, ये मॉडल ऐसे ही करते हैं, सिर्फ चाबी घुमाई और फिर सिर्फ धुआं ही धुआं नजर आता है, खुद देख लेना, यकीन आ जाएगा। आतिश तुम क्या सोच रहे हो? बहुत बड़ा सोच रहा हूँ मैं आशा, बहुत बड़ा। फिट लग रहा है। हाँ मुझे भी ऐसा ही लग रहा है। हाँ लेकिन यास्मीन मैं इस घर से कैसे निकलूंगी? अरे प्यारी आयशा, तो तुम सोच रही थी कि मैं तुम्हारे लिए कुछ नहीं करूंगा। हाँ, ये मेरा तीसरा या चौथा चैंपियनशिप ड्रेस है। दिखाओ जरा, बड़े फिट लग रहे हो यार, जैसे तुम्हारे लिए बना है। हिलना मत, तुम लोग स्टैचूस हो, हिलना मत, बस आराम से। क्या? बाबा, आतिश, क्या हुआ? क्या कर रहे हो बेटा? बाबा, मैं क्या कर सकता हूँ? ये स्टैचूस फेंकने जा रहा हूँ मैं बाहर। क्या? वाओ, बिल्कुल जानदार लगते हैं। इंटरेस्टिंग यार, मैंने नहीं सोचा था कि ड्राइवर बनने का भूत उतर जाएगा, यकीन ही नहीं आ रहा मुझे। बाबा अब बिना ऐसा कि आप जब मेरे कमरे में आए थे तो आप इन्हें घूर रहे थे, तो बस आपके जाने के बाद ये सोचा मैंने बैठ के, क्या आतिश क्या हो गया है, बच्चे तो नहीं हो ना? बस छोड़ो ना, हमेशा तुम ही सही नहीं हो सकते, बाबा सही कहते हैं। तो बस मैंने फिर रेस छोड़ने का फैसला किया और इन्हें बाहर फेंकने का इरादा कर लिया। हाँ। और वैसे भी जब भी मैं इनको देखती हूँ तो मुझे बहुत ज्यादा डर लगता है। हर चीज का एंड होता है ना? देख लो बस, मोहब्बत की इतनी सी उम्र है। अरे अरे, ये तो गिरने वाला था। देख ले मेरे शौहर मेरे लिए कितनी सारी चीजें छोड़ रहे हैं, लगता है वो मुझसे वाकई बहुत मोहब्बत करते हैं। हाँ, वैसे तुमसे बहुत प्यार करता है। बाबा जान क्या कर रहे हैं आप, हमें रोक रहे हैं? हाँ, हमें बहुत से और काम करना है। ठीक कह रहे हो बेटा, बेशक तुम दोनों ने अभी बहुत कुछ करना है, लेकिन तुम दोनों इसकी बिल्कुल फिक्र मत करो, ये मुझ पर छोड़ दो, मैं अपने आदमियों से फिकवा देता हूँ, बल्कि ये कह देता हूँ इसे जला ही दें। ओ नहीं, ऐसा मत करें, जलाना बुरी बात है, अभी सब नहीं कर सकते। ख्याल से हम इन्हें जला नहीं सकते, भला इतनी महंगी चीज को कौन जलाता है? अच्छा, कितनी महंगी है ये? थोड़ा सब्र करो, सुना है कि काफी महंगी होती है ये। हाँ, लेकिन हम एक बेहतरीन चीज कर सकते हैं, चलो इन्हें एक तरफ रख के इनके कपड़े रख लेते हैं, जिसको जरूरत होगी वो ले लेगा। हाँ बिल्कुल, मतलब वो ड्राइवर वाले कपड़े की बात कर रहे हो तुम? अरे हमें क्या पता आजकल किसको किस चीज की जरूरत पड़ जाए आसिफ साहब। हाँ, क्या पता चलता है वाकई। ठीक है, ले जाओ यहाँ से इसे। हाँ ठीक है, फिर हम लोग छोटे वाले से शुरू करते हैं। ठीक है, लेकिन बाबा जान अब इसे कोई हाथ ना लगाए और ना से जलाने की कोशिश करें, प्लीज ख्याल रखिएगा। चलो उठा रहा हूँ मैं इसे। हाँ, कुछ होने मत देना। चलो हम लोग इस तरह ले जा सकते हैं, ठीक है? अच्छा हाँ। वाह भाई, ये तो बहुत कीमती है, क्या बात है। Well done. जल्दी 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 जल्दी। आतिश, ये तुम आधी रात को क्या कर रहे हो? तुमने तो मुझे डरा ही दिया। हम इसे नीचे उतार रहे थे। तो उसे फेंक नहीं सका मैं, वापस रखने का फैसला कर लिया, लेकिन ये बहुत भारी है,
बहुत भारी है। अल्लाह अल्लाह, तो तुम लोग क्यों लिए जा रहे हो? बुला लेते ना किसी को हेल्प के लिए। हरगिज़ ऐसा नहीं हो सकता। क्या आप सारे काम हमारे वही करेंगे? हमें खुद अपने कुछ काम कर लेने चाहिए, दूसरों का सहारा क्यों लें? हाँ, वैसे भी आंटी बस पे निशान लगा देंगे, ये मेरे लिए बहुत कीमती है। आप तो जानती है ना ये बात कितनी अहम है। तो वैसे कहाँ जा रही है? किचन में पानी पीने जा रही थी। अरे आपने खुद को तकलीफ क्यों दी? कोई लाके दे सकता था आपके रूम में? तुम्हारा मतलब ये कि इन छोटी छोटी चीजों के लिए भी मैं उनको आवाज दूं? अरे पानी तो खुद पी सकती हूँ ना। हाँ सही। ओके, गुड नाइट। हमें जल्दी जाना होगा। उसको रखते पहले। चलो 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 चलो, जल्दी जाओ। अरे अरे, तुम कहाँ जा रही हो? आ जाने से क्या चीज बनाई है वैसे? अरे अब क्या पूरे घर में होंगे ये? शुक्र है पकड़ लिया। चलो इसे भी जल्दी से पैक करें। अरे आप जहमत मत करें बाबा। बाबा जी, नहीं नहीं नहीं, मैं तुम्हारी मदद करता हूँ, छोड़ दे। आतिश, क्या ये इसके करने के काम है? क्या हो गया तुम्हें? अरे आप फिक्र नहीं करें, मैं ताकतवर हूँ। माशाल्लाह, आपकी बहू को कुछ नहीं होने वाला। बहुत ही स्ट्रॉन्ग है, स्ट्रॉन्ग है। हाँ, अब आप देखिएगा। ये तो किसी भैंस से जितना भारी है। तुम इससे क्या खिलाते रहे हो आतिश? ख्याल से यासमीन बहुत कीमती है। वो अभी तक वापस नहीं आया, देखा? इलायची वाली चाय से भी इन पर फर्क नहीं पड़ा। गुस्सा तो देखो। परेशान मत हो, अगर आप मुझे इजाजत दें तो सुबह सवेरे कुछ काम करने हैं। हाँ जाए भाई, सो जाए। पूरी नहीं हो पाती। हम कब सोएंगे? रात देर तक जागना तो जैसे रोज का मामूल बन गया है। कहने को आतिश और यास्मीन यहाँ से चले गए हैं, लेकिन अपने पीछे अपने असरात छोड़ गए हैं। डियर फैमिली, मैं सोने जा रही हूँ, बाकी के मामलात कल देख लूंगी मैं, ठीक है? मेरी जान, मेरी मोटर बाइक का क्या होगा? मिट्टू, हम कल मोहल्ले में पूछ लेंगे, हर जगह उसको तलाश करेंगे, लेकिन अभी चलो प्लीज मिट्टू। हाँ तुम ठीक कह रही हो, मैं भी थक गया। चलो चलते हैं। मैं भी बिस्तर पर जा रही हूँ भाई, वरना मेरा सर दर्द से भारी होता जाएगा। ठीक है, जाइए, जाके आराम कीजिए। शब बखैर अम्मी। तुम भी ज्यादा देर मत बैठना परिहान। जलाल, चलो हम भी चलें। तुम जाओ, मैं बच्चों का इंतजार करूंगा। देखो, मुझे इस वक्त कोई लड़ाई झगड़ा और शोर नहीं सुनना, ठीक है ना? कल बात कर सकते हो तुम। परियान, मैं इस वक्त कोई बहस नहीं चाहता। कहाँ ना बच्चे आएंगे तब जाके सो जाऊंगा। परियान सही बोल रही थी, बहुत हो गया, कल बात करूंगा, कहीं यहीं नहीं सो जाऊं। अरे यार, ये किस किस्म की चीज है? इसने तो मेरे जिस्म का पूरा खून तक रोक दिया है। उतारो इसे जल्दी से। अरे दमीर, कोई बात नहीं, तुम तो इसके आदि हो, ये तुम्हारे मामूल की बात है ना? हम दोबारा नाकाम हो गए। इसको उतारो। जल्दी से खींचो, हाँ यहाँ से पकड़ो। क्या इस घर में फायर अलार्म है? सोना खींच रही हूँ भाई। जान छुट्टी, क्या करने वाली हो तुम यास्मीन? क्या सब घर वालों को जगाओगी? अरे जब अलार्म बजेगा तो बाकी सब दरवाजे की तरफ भागेंगे और हमें एक कश्ती से भेज देंगे। बाकी सब यानी सिक्योरिटी के लोग? सारी की सारी बात में तुम्हें सिर्फ एक ही लफ्ज समझ आया। यास्मीन जान, हमारे यहाँ इस घर में कोई फायर अलार्म नहीं है, ओके? ये घर समंदर के किनारे पे है, आग कभी लग भी जाए तो समंदर है बजाने के लिए, इसलिए तुम्हारा ये प्लान फेल हो गया। ठीक है फिर, चलो बैठते हैं और वेट करते हैं। मैंने कहा था ना तुमसे कि सुबह का इंतजार करना पड़ेगा, इसके अलावा कोई चारा नहीं है। मेरे भाई, यू परेशान होने से कुछ नहीं होगा, ठीक है? नहीं, मैं ठीक हूँ, शुक्रिया। समझ नहीं आ रहा कैसी जिद आई है यार। आयशा, तुम भी ऐसे बैठी थक जाओगी। शुक्रिया। ये लो। अरे मैं चाहता हूँ तुम आराम से बैठो, सुबह तक इंतजार करना पड़ेगा हमें, वरना कमर और गर्दन की दर्द लिए फिरोगे तुम लोग। अब सिर्फ इतना सोचो कि सुबह निकलना कैसे यहाँ से। क्या वाकई इस वक्त अपने सुकून के बारे में सोचना है हमें? थोड़ा दिमाग चलाओ, दिमाग लगाओ कि हम यहाँ से कैसे निकलें। मेरी आंखें तो 3 मिनट बाद बंद होने वाली हैं। मुझे बहुत नींद आ रही है, प्लीज कोई मुझे ना छेड़े। क्या मतलब कैसी नींद? कौन सी नींद? ऐसा कुछ नहीं होगा, कोई नहीं सोएगा, सब इतने आराम में क्यों हो?
हम इस वक्त सूली पर टंगे हुए हैं। तुम कैसे सुकून से रह सकती हो? यहाँ कोई नहीं सोएगा। आशा, मेरी बहन है। सर आदर्श, गुड मॉर्निंग। वो तुमसे बात कर रही है। बस 5 मिनट रहा। सर आदर्श, आप अंदर ही है ना? यार क्या पागल हो तुम? मेरे साथ क्यों सो रहे हो तुम? हाँ, थोड़ी शर्म करो। सर मैं अंदर आ सकती हूँ? नहीं, तुम मेरे बेड पे सो रहे हो और गुस्सा भी मुझ पे कर रहे हो। हाँ सर, ये बता दो कि मेरे बेड पे क्या काम है तुम्हारा? ये तुम लोग क्या बात कर रहे हो? ये आदमी, मैं बस इतना बता दूं, ये हवास खो बैठा है। मुझे लगता है ये पागल हो गया है। कल रात जब मैं सो रहा था तो ये आया और छुपके से मेरे साथ सो गया। रुको एक मिनट, अगर यहाँ कोई विक्टिम है तो वो मैं हूँ, और देखा जाए तो सबको साफ नजर आ रहा है मेरे भाई। माशाल्लाह, कैसे हक करके लेटा हो था मुझे। क्या मतलब, ये दोनों एक साथ सोए थे? हाँ, रोमांटिक भाई। कौन रोमांटिक? तुम क्या कह रही हो? मैं यहाँ बस थकावट से गिर गया। मेरा मतलब शर्म की बात है। सर आतिश, आप ठीक तो है ना? ठीक हूँ, खुदा का शुक्र है। नाश्ता तैयार है। सर आसिफ आपको नीचे बुला रहे हैं। हाँ ठीक है, जाइए, अब हम आ रहे हैं। गर्दन दुख गई मेरी तो। चलो भाई, लेकिन खबरदार, हम तुम्हारे नाश्ते से लुत्फंदोज होने का इंतजार नहीं करेंगे, समझे तुम? ब्रदर, क्या तुम्हें वाकई लगता है कि मैं नाश्ता करने जाऊंगा इस वक्त नीचे? तुम्हें बाहर निकालने का ना प्लान सोच रहा हूं मैं। आओ मेरे पीछे। चलो चले। बताओ इन्हें तुम बेटा, इसकी लड़की कितनी हराफा है। एक लफ्ज और नहीं कह, कसम खाती हूँ मैं अपनी बेटी की कि अगर इसने गलती की है तो मैं उसे सजा दूंगी और भूल जाऊंगी कि ये मेरी बेटी है। वो देखो, क्या तुम लोग इतना सारा नाश्ता एक ही वक्त में कर सकते हो? यार तुम ये क्या हरकत कर रहे हो? यार हाथ हटाओ मेरे ऊपर से। तुम ऊपर भी मेरे साथ सो गए थे और देखो यहाँ भी। कितनी गलत फहमी है तुम्हें। चलो यहाँ से उल्टी बातें मत करो। ओके, हम लोग गेम खेल रहे हैं आयशा, हमारी रूह फ्रेश हो जाएगी। क्या ये किस मुसीबत में फंस गए लोग? ज़ैनब, मैं अपनी चाय बाहर पीऊंगी। खुदा मुझे सब्र दे। यार मुझे वाकई समझ नहीं आ रहा कि ये किस किस्म के अमीर लोग हैं। सुबह के 7 बज रहे हैं, इस वक्त क्यों जगाया? बैटरी नहीं पीते क्या? अमीर लोग तो इस वक्त नाश्ता भी नहीं करते। तुम्हें पता है मैंने दोपहर तक भी सोने की कोशिश की है, ठीक है ना, लेकिन मामूल के दिन ऐसा नहीं होता। अब ज्यादा बात नहीं करो, चलो यहाँ से। चलो ख्याल से। आखिर ये क्या कर रहे हो? क्या नाश्ता करने जा रहे हो दोनों? नहीं, ऑपरेशन होगा कश्ती का। दिन दिहाड़े ये कौन सी कश्ती की बात कर रहे हो तुम? आते एक मिनट रुको आशा, सुनो मेरी बात।
मैं तुम्हें यहां से निकालूंगा, फिक्र मत करो। ओके, अगर ऐसा ना हुआ। कुछ मत कह यास्मीन, जब मैं तुमसे कहूंगा ना तो बाहर जाकर जोर से चीखना। ओके, समझ गए? ठीक है। आशा, जब सब इस तरफ दौड़ेंगे तो जितनी जल्दी हो सके तुम दोनों को यहां से भागना होगा। ओके, समझ गए ना? मैं बाहर जा रही हूं। हाँ जाओ। अरे क्या हो गया? क्या हुआ? क्या हुआ? अरे क्या हो रही है, बताओ क्या हो गया? क्या हो गया? क्या तकलीफ हो रही है? क्या तकलीफ हो रही है, बताओ मुझे। आतिश, ये क्यों चीख रही है, बताओ मुझे। क्या कर रही है? मुझे समझ नहीं आ रहा, रोना शुरू कर दिया। मुझे बताओ, आराम से बेटा, आराम से। क्या हो गया? क्या हुआ? बल्कि हो गया, हो गया, हो गया। तुम्हें हुआ क्या है, बताओ ना प्लीज। हाँ बताओ, जल्दी करो। हम गिर जाएंगे, कसम से हम गिर जाएंगे। चप्पू चलाएं भाई, फौरन चप्पू पकड़े। अच्छा हटो, हटो, गिर जाएंगे। हिलना मत, हिलना मत। गिर गए। ये क्या कह रही हो तुम? क्या कह रही हो? पथरी है। गिर गए। हाँ क्या? गुर्दे में पथरी। आराम से हाथ में। अब ठीक है ना? मैं ठीक हूँ, मैं ठीक हूँ। मतलब किडनी स्टोन? हाँ, हॉस्पिटल लेके जाना चाहिए, एम्बुलेंस मंगवाइए। बिल्कुल नहीं, एम्बुलेंस की जरूरत नहीं है, फिक्र नहीं करें, मैं डॉक्टर हूँ ना। आप फिक्र क्यों कर रहे हैं? मैं डॉक्टर हूँ, मैं कर लूंगा। चलो जल्दी से निकल जाते हैं। लेकिन तुम एक न्यूरोलॉजिस्ट हो, यूरोलॉजिस्ट नहीं? अब ऐसे क्या फर्क पड़ता है, डॉक्टर हूँ ना मैं, डॉक्टर हूँ। नहीं बस ठीक है, मैं ठीक हूँ। मुझे वैसे भी डॉक्टर से बहुत डर लगता है, तो एम्बुलेंस बुलाने की जरूरत नहीं है। किडनी स्टोन कहाँ गया? वो तो गिर गया। क्या मतलब? अरे मैं ठीक हूँ, बड़ी मामूली सी बात है मेरे लिए। ठीक है, बहुत भूख लग रही है, चल के नाश्ता कर लेंगे। भूख लगी है, आ जाओ। इस लड़की को ना तो न्यूरोलॉजिस्ट की जरूरत है और ना ही यूरोलॉजिस्ट की, इसको एक साइकेट्रिस्ट की जरूरत है। सब लोग भी जाग गए होंगे। आशा दुआ करो कोई हमें देख ना ले। चलो जल्दी से अपने अपने रूम में चले जाते हैं। चलो जल्दी करो। लगता है अभी आए हो। नहीं, तुम दोनों अपने बेड पर नहीं थे, कहाँ थे तुम लोग? हम जल्दी आ गए थे, इसलिए हमने जाने का सोचा, बस ये बात थी। कहाँ? फिशिंग पर। फिशिंग पर? बिल्कुल, मैंने कहा मछली पकड़ने चलते हैं, क्योंकि हम लोग जल्दी जा गए। हाँ, तो इसीलिए। तो मछलियाँ कहाँ हैं? वेल डन परी, बहुत अच्छा सवाल किया। शुक्रिया। बहुत अच्छा। हाँ, बहुत अच्छे। आयशा, मछली पकड़ने का आइडिया तो तुम्हारा था ना, सबको बताओ मछली कहाँ है। हाँ बताती हूँ यार, आप लोग वो नजमी चाचा को तो जानते हैं ना, बेचारे बेघर हैं। जब हम वापस घर आ रहे थे तो सारी मछली उन्हीं को दे आए। मेरी बच्ची, मेरी रहम दिल बेटी, अच्छा कितना अच्छा काम किया तुमने। कितना ख्याल है तुम्हें। तुम बहुत अच्छी हो। हाँ बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा ये बताओ कि ये वही कपड़े नहीं है जो कल तुमने पहने हुए थे? हाँ, यही पहन कर फिशिंग करने चले गए तुम लोग, कपड़े बदलने की जहमत नहीं की आयशा? शाबाश बेटी, अच्छा सवाल किया। मैं हूँ अच्छा ना जीनियस बेटी आपकी। किसी पार्टी में थोड़ी ना जा रहे थे आपा, फिशिंग पर जा रहे थे, और फिशिंग पर नए कपड़े पहनकर थोड़ी ना जाते हैं, कपड़े तो खराब हो जाते हैं इस पर। कोई बेवकूफ फिशिंग पर नए कपड़े पहनकर जाएगा? अच्छा वाकई? हाँ समझ में आ रहा है, वजह सही है, ब्रावो। जाहिर है यही वजह है, क्या कभी इसने कोई बेमायने बात की है? नहीं ना। अम्मी मुझे भूख लगी है, आपने अंडे फ्राई किए? लोग आधी रात को अजनबियों के घर क्या कर रहे थे? बाबा जान एप्रन वापस। बेवकूफ मत बनाओ मुझे। बाबा प्लीज, आप हमें ज्यादा डांट रहे हैं, हम बड़े हो गए। अगर आज
आप हमारी शादी करें तो आप दादा और नाना बन जाएंगे, लेकिन हाँ, प्लीज थोड़ा सा तो ख्याल करें, हम बड़े हो गए हैं बाबा। ब्रावो, आपका शुक्रिया भाईजान। मेरा मतलब ठीक है, हाँ ठीक है। ओके, मुझे तो छोड़ें, ये आयशा। आयशा क्या? वो ये कि आयशा कल मेरे पास आई और कहा कि आपसे बात करनी है यास्मीन के बारे में। कहा कि बहुत उदास है वो अपना एप्रेन भी यहाँ भूल गई है, वो और उदास होगी, चलें उसे देने चलते हैं। मैंने कहा पागल मत बनो, खमखा अपने ऊपर मुसीबत मत लाओ और बाबा गुस्सा करें। मैं होऊंगा, मुझे बहुत गुस्सा आया। हमारे साथ रहते रहते ये भी कितना झूठ बोलने लगे हैं। मैं जानता हूँ बाबा, आपकी जगह मैं होता तो मैं भी गुस्सा करता, लेकिन ये कल रात रोने वाली हो गई थी, इसकी आंख से आंसू गिर रहे थे और ये कह रही थी कि यास्मीन यहाँ से नहीं जाना चाहती थी, और ये भी कहा कि उसका एप्रेन यहाँ रह गया है, वो बहुत उदास होगी, और फिर रोना शुरू कर दिया। ये देखकर मैं इनकार नहीं कर सका, क्या करूँ अब मैं, आखिर बहन है ना मेरी, इसलिए जज्बात में आकर मैं मना ही नहीं कर सका और ले गया। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, इनसे इनकार ही नहीं हुआ और मेरे साथ चल पड़े बेचारे। लेकिन बेटा तुम्हें आधी रात को उस वक्त तो बिल्कुल नहीं जाना चाहिए था, और उस घर में तो बिल्कुल नहीं। बिल्कुल। मेरी तरफ देखो, एक बात बताओ, तुमने तो कहा था कि यास्मीन ने एप्रिन मांगा है। हाँ मांगा था उसने, लेकिन आप खुद सोचें, एक लड़की होने के नाते आधी रात को अकेली अगर बाहर जाती, कुछ हो जाता तो। बस यही वजह थी कि मैं इनकार नहीं कर सका और हम चले गए। हमने सोचा कि हम उसे एप्रिन देकर वापस आ जाएंगे, तो हमने जाकर दरवाजा खटखटाया, दरवाजा आतिश ने खोला, उसने हमें अंदर आने के लिए बहुत इसरार किया और कॉफी भी ऑफर की, लेकिन हमने साफ इनकार कर दिया कि हम कॉफी नहीं पी सकते। खैर हम अंदर चले गए और कॉफी पीने ही वाले थे तो सोचे कौन आया होगा, आसिफ। हमने आसिफ का वेट किया कि वो सो जाए, फिर मछली और बाकी चीजों से निमटने की वजह से हम इस वक्त वापस आए, बस यही बात थी। ठीक, कुछ नहीं हुआ, लगता है कि वहाँ भी हमारी तरह है वो, चले नाश्ता करते हैं। हाँ भाई चलो, मुझे भी बहुत भूख लगी है। चलो। एक मिनट रुको, तुम वहाँ कार और मोटर बाइक दोनों पर गए थे? अगर आप मुझे माफ करें तो मैं आपको बता दूंगा भाई, हम पहले कार में रोड तक गए। बाबा मैं पिछले दो हफ्तों से आपको क्या बता रहा हूँ, याद है? बता रहा हूँ ना कि गाड़ी को ठीक करवाना है, लेकिन काम की वजह से आपको शायद याद नहीं रहा। खैर बताया ना, हम रोड पर थे और आयशा मेरे साथ थी, तब क्या हुआ, ये रोड टूट गई और मैंने गाड़ी वहीं छोड़ी और आयशा को अंदर लॉक किया, और यहाँ से आके मोटर बाइक ली। मोटर बाइक लेने के बाद मैंने आयशा को साथ लिया और फिर हम आतिश के घर गए, और इसके बाद मैंने आपको सारी बातें बता दी। बहुत खूब, शाबाश शाबाश, लेकिन मोटर बाइक कहाँ है? वो रही मोटर बाइक, देखिए। मेरी महबूबा, देखे क्या गाड़ी आई है, ये तो शुभ भाई है। तुम जितने अच्छे बेटे बनोगे उतना ही ज्यादा इनाम पाओगे। मैं समझी कि तुम्हारी शादी फेक है, तो तुम और यास्मीन एक साथ एक कमरे में कैसे रह सकते हो? आज की किस्त देखने के लिए शुक्रिया। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो कमेंट और शेयर करना ना भूलें।